हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग देख रहे हैं हमारे ज्योग्राफी की क्लास एंड फ्रॉम पास टू क्लासेस हम लोग देख रहे थे एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें से एक दिन हम लोगों ने देखा था स्टार फॉर्मेशन के बारे में और एक दिन हम लोगों ने बाकी चीज़ों के बारे में देख रखा था। आगे बढ़ते हैं, इसी डिस्कशन को जरा कंटिन्यू करते हैं आगे। और स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं आप अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहाँ से आप इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एंड दीज आर द अवेलेबल कोर्सेज विच आर प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल। यू कैन यूज दिस अकॉर्डिंगली। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में बात कर रखा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक नेबुला से स्मॉल स्टार बनता था, फिर रेड जायंट बनती थी एंड देन अकॉर्डिंगली जो होती थी सोलर सिस्टम या फिर कह लीजिए कि हमारा ब्लैक होल वगैरह बन रहा होता था। उसमें हम लोगों ने चंद्रशेखर लिमिट वगैरह के बारे में भी बात किया था और हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कशन किया होता है इन द लास्ट क्लास। किसी को अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखिए आज का सेशन थोड़ा फैक्चुअल होने वाला है, मतलब आपको चीजें यहाँ पर याद करनी होंगी। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो अगर तो यहाँ पर देखिए थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और पर्टिकुलरली करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टेट पीसीएस के हिसाब से अगर बात किया जाए तो देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स पेपर में, तो इस वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पूरी की पूरी जानकारी याद करनी। फैक्चुअल डिटेल भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, कोशिश करेंगे इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की थ्रू एनिमेशंस एंड ऑल द फोटोग्राफ्स वगैरह के जरिए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की। अब हम लोगों ने यूनिवर्स से हम लोग अपने गैलेक्सी एंड नाउ वी आर कमिंग टू आवर सोलर सिस्टम, हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम में जो हमारा स्टार है दैट इज द सन। सन इज अ स्टार, ये आपको पता ही होगा कि सन एक जो है हमारा स्टार है, छोटा स्टार है, बहुत बड़ा स्टार नहीं है। सन के बारे में जैसे कि हम लोगों ने स्टार फॉर्मेशन देखा था वहां पे हमारी नेबुला थ्योरी थी, सेम वैसे ही सन के लिए भी नेबुला थ्योरी हो जाती है। दिस थ्योरी इज बीइंग गिवन बाय प्रपोज्ड बाय लैपलास। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बट इट हैड मेनी ड्रॉबैक्स एज द थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन साइंटिफिकली इरोनियस अजम्पशंस। जैसे कई सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया ही था कि नेबुला थ्योरी में क्या क्या दिक्कतें थी, क्योंकि इसने पर्टिकुलरली ये नहीं बताया कि आखिर में व्हाट आर द स्टेजेस, किसके बाद जो होता है एक स्टार डेवलप हो जाएगा। तो केवल और केवल जो है कह लीजिए एक तरीके का क्लाउड फॉर्मेट में केवल और केवल चीजों को बताया था, लेकिन कुछ चीजें इनकी सही थी और वो थी बट वन अजम्पशन इट गॉट राइट वॉज दैट द सोलर सिस्टम वॉज बॉर्न फ्रॉम अ जायंट गैस ऑफ डस्ट दैट इज व्हाट नेबुला, अ जायंट इंटरस्टेलर क्लाउड नोन एज द सोलर नेबुला। ये क्या है, एक तरीके की गैस हो जाती थी, डस्ट हो जाती थी, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था और यही जो होती है अल्टीमेटली सोलर सिस्टम को जन्म दे रही होती है। द नेबुला स्टार्टेड इट्स कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन सिंस सम 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स एगो एंड द सन एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्मड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये खैर अगेन वही ग्रेविटेशनल फोर्स वाली चीज है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली कोर फॉर्मेशन हो जा रही होती है। The nebula began to collapse because of the gravitational force in itself after becoming gravitationally unstable. This was possible because of their nearby supernova sending shock waves rippling through space. तो ये खैर shock waves वगैरह supernova वगैरह के बारे में है, इतना important नहीं, यहाँ पर skip कर सकते हैं आप। Gravity then caused dust and gas to coalesce to the center of nebula cloud as more matter got pulled in, the center got denser and hotter. Increasingly the gravity and pulling even more dust inward causing a snowball effect. तो इस तरीके से हमारा basically एक तरीके से crown कह लीजिए कि sun की core develop हो गई और ultimately अब एक star के रूप में, एक burning star के रूप में निकल करके सामने आएगा। तो about 99.9% of the material fell into the center and become the proto-sun. Proto-sun का मतलब एक कह लीजिए proto-star बन गया जो हम लोगों ने last class में देखा हुआ था। Once the center of the cloud become hot enough, it triggered nuclear fusion, जो कि हम लोगों ने देखा था T star के दौरान में और हमारा जो sequence star था, and the sun was born. और ये हमारी वो कह लीजिए कि एक sun की पूरी figure है जिसको कि आप देख सकते हैं कि क्या scene है। This is the basically पूरा पूरा system.
अब यहाँ पर आयरन कल्चर स्टाफ एंड प्लानिटरी डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहा है। अब अर्थ पे हम आ जाते हैं। व्हेन अर्थ वाज फॉर्मड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, इट वाज अ यूनिफॉर्म बॉल ऑफ हॉट रॉक, रेडियो एक्टिव डीके एंड लेफ्ट ओवर हीट फ्रॉम प्लानिटरी फॉर्मेशन कॉज द बॉल टू गेट इवन हॉटर। तो इस तरीके से जो हमारा अर्थ सरफेस था, जो एक केवल और केवल हॉट रॉक के फॉर्मेट में था, अब वो धीरे धीरे जो होती है वो कूल डाउन करना शुरू करेगी और अर्थ को एक लिविंग प्लैनेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। इन सारे सिस्टम को हम लोग केवल और केवल समझ रहे हैं क्योंकि ये सच इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवेंचुअली आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स आवर यंग प्लैनेट्स टेम्परेचर हीटेड टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन अबाउट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दिस पिवोटल मोमेंट इन अर्थ हिस्ट्री इज कॉल्ड आयरन कैटास्ट्रोफ। इस दौरान क्या हुआ था कि आयरन की शावरिंग स्टार्ट हो गई थी कि आयरन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, मटेरियल ऑलरेडी जो होता है इस रॉक फॉर्मेट में था ही। हाई टेम्परेचर होने के कारण से आयरन की मेल्टिंग हो गई और जो बारिश हो रही थी वो आयरन की बारिश हो रही थी। इनफैक्ट बहुत सारे प्लैनेट्स में अभी भी ये देखा जाता है कि आयरन शावर हमें हो रहा होता है। दिस आयरन कैटास्ट्रोफ अलाउड ग्रेटर मोर रैपिड मूवमेंट ऑफ अर्थ मॉल्टन रॉकी मटेरियल रिलेटिवली बाइंड मटेरियल सच एज सिलिकेट्स आयरन इवन स्टार। तो इस तरीके से हमारे जो धरती है, इनफैक्ट हम मून पे जाते हैं, हम मंगल पे जा रहे होते हैं और वहां पे बेसिकली जो वहां की धरती है, जो वहां का सरफेस है, उस पर हमें मिलता क्या है, उस पर हमें मिलता है सिलिका। तो सिलिका इज द मोस्ट एबंडेंट मटेरियल ऑन एनी सर्फेस ऑफ एनी प्लानट। इसके अलावा देखिए कुछ और भी यहाँ पर मिनरल पाए जा रहे होते हैं और इस मिनरल में जो अर्थ के बारे में बात करें तो आयरन ज्यादा अबंडेंट हो जा रही होती है। एंड इवन एयर, ये सब चीजें जो होती हैं मिल जा रही होती हैं। तो ड्रॉपलेट्स ऑफ आयरन निकल एंड अदर हैवी मटेरियल ग्रेविटेट टू द सेंटर ऑफ अर्थ बिकमिंग द अर्ली कोर। तो इस तरीके से पूरे के पूरे कोर सिस्टम में आ गया था। दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लानिटरी डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्लानिट के अंदर में विद इन द प्लानिट एक प्लानिटरी डिफरेंशिएशन प्रोसेस गोइंग ऑन हो रही थी। अब हम लोग अगर बात करें कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो देखिए अब हम लोग जरा आ जाते हैं अपने सोलर सिस्टम पे। काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेटिज्मल फॉर्मेशन और ऑल दैट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं जरा अपने सोलर सिस्टम पे। तो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, इसके अलावा 8 मेजर प्लैनेट्स, इसके अलावा एक ड्रॉप प्लैनेट जो कि प्लूटो हो गया या सीरीज हो गया या एरिस हो गया, जो कि एक तरीके से एस्टेरॉयड भी है, सैटेलाइट, काउंटलेस माइनर प्लैनेट्स हो जाते हैं, एस्टेरॉयड हो जाते हैं, मीटियोर्स हो जाते हैं, कॉमेट्स हो जाते हैं और डेब्रिस हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम मिल करके हमारा एक सोलर सिस्टम बना रहा होता है जहां पर अलग अलग तरीके की चीजें हो जा रही होती हैं। सन होता है, प्लैनेट होती है, ड्रॉप प्लैनेट होते हैं, क्यूपर बेल्ट होती है, एस्टेरॉयड होती है, डस्ट पार्टिकल होती है और कुछ अननोन मटेरियल्स भी होते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया जहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा सन है। सन के बाद हमारी अलग अलग प्लैनेट्स हैं लाइक मर्क्यूरी हो गई, वीनस हो गई, अर्थ हो गई, मार्स हो गई, फिर उसके बाद से आपको जुपिटर मिल जाएगा। इस मार्स और जुपिटर के बीच में आपको दिख रहा होगा एक एस्टेरॉयड बेल्ट कुछ चीज बनी हुई है। क्या चीज है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए मार्स और जुपिटर के बीच में एक बीच में डस्ट पार्टिकल का एक पूरा का पूरा ग्रुप मिलता है, या कह लीजिए डस्ट पार्टिकल का एक पूरा क्लस्टर मिल जाता है जिसको कि हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। यहीं पर देखिए आपको सीरीज दिख रही है। सीरीज एक्चुअली इज दिस थिंग, ये वाला इसको सीरीज है। सीरीज जो होती है एक तरीके के एस्ट्रॉयड है, स्पेशल एस्ट्रॉयड है। जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट इज ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉयड्स, ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉयड्स। इस ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉयड्स में एक है जिसका नाम है सीरीज। सेम इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे बेनू है एक, तो बेनू भी एक तरीके का है। फिर इसी तरीके से क्योशु भी है एक। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, मतलब एस्ट्रॉयड्स हैं अलग अलग नाम के जरिए। ये एस्ट्रॉयड जो होती है घूमती रहती है और ये घूमने के कारण से लगातार ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी फील कर रहे होते हैं। जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर भी ये फील कर रहे होते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से जब भी, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों साइड लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा एफ डैश और इधर भी लग रहा होगा एफ, तो अगर ये काउंटर बैलेंस कर जाते हैं तो ये इसी क्लस्टर के बीच में रहते हैं। लेकिन इफ इन केस सपोज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि इनके पास में वेलोसिटी भी है क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, अगर ये किसी भी कारणवश अपने इस बेल्ट से निकल करके अगर यहां पर आ जा रहे होते हैं, तो अब क्या हुआ, यहां पर मान लेते हैं सपोज इस वाले को यहां पर मैं बना रहा हूं, मान लेते हैं हमारा वो एस्टेरॉयड है, इधर के साइड में एक फोर्स लग रहा है और पीछे के साइड में एक फोर्स लग रहा है। अब बताइए फोर्सेस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर,
मास तो बदला नहीं लेकिन रेडियस बदल गया। रेडियस बदलने का मतलब इधर के बीच की अब दूरी तो और बढ़ गई है, यानी रेडियस बढ़ गया है। स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, यानी जो एफ डैश है अब वो एफ से कम हो गया है। तो जब भी इस तरीके की चीज आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि एफ बड़ा हो गया। अरे मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन है, पीछे वाला 2 न्यूटन है, तो 5 आगे 2 काट रहा है इसको, तो 3 न्यूटन आगे की ओर लग तो गया, तो 3 न्यूटन का फोर्स आपको आगे की ओर लग जाएगा। एंड दैट इज व्हाई देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक एस्टेरॉयड या तो मार्स को हिट कर सकता है या फिर अर्थ को हिट कर सकता है। देयर इज ऑलवेज अ चांस, व्हाई, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए, तो ये जुपिटर हो जाता है, जुपिटर के अलावा फिर सैटर्न हो जाती है, सैटर्न के अलावा फिर यूरेनस हो जाती है, फिर नेपच्यून हो जाती है, फिर प्लूटो हो जाती है। लेकिन प्लूटो को जो होता है अब ड्रॉप प्लैनेट जो होता है वो डिक्लेयर कर दिया जा चुका है, IUC ने किया हुआ है, हम लोग देखेंगे क्या कुछ है। इसके बाद प्लूटो के बाद में आपको दिखेगा कि यहां पर एक क्यूपर बेल्ट कोई चीज है। क्यूपर बेल्ट भी एक तरीके की समझ लीजिए कि एस्टेरॉयड ही होती है, बस ये प्योरली, ये पूरी तरीके से प्योरली क्या होती है, आइस होती है। आइस क्यों होती है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली देखिए आपको एक और दिखेगा एरिस, एरिस भी एक तरीके का कह लीजिए कि क्यूपर बेल्ट ही है, दिस इज ऑल्सो अ क्यूपर, लेकिन इसको भी हम लोग ड्रॉप प्लैनेट बोल रहे होते हैं, ये ड्रॉप प्लैनेट है। सिमिलरली देखिए यहां पर भी मेक लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉप प्लैनेट, दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉप, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वॉट, क्यूपर बेल्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है? यहां पर देखिए आपको एक टर्म दिख रहा होगा कॉमेट, कॉमेट जो होती है एक तरीके की कह लीजिए कि हिंदी में इसको बोलते हैं पुच्छल तारा। ये क्या चीज है हम लोग देखेंगे, अभी अभी फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एस्टेरॉयड, दिस इज ऑल्सो अ डस्ट पार्टिकल, दिस इज अ आइस पार्टिकल। तो आइस पार्टिकल के फॉर्मेट में ये हो रहे होते हैं। इनके डिटेलिंग के बारे में अब जरा शुरू करते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जरा सन के बारे में। सन के बारे में देखेंगे तो अगेन देखिए फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आपको फटाफट याद करनी है। सन की एज के बारे में बात करें 4.6 बिलियन ईयर्स है, डायमीटर इसकी 1.39 मिलियन किलोमीटर है, टेम्परेचर नियरली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द सर्फेस एंड 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इन द कोर। तो बेसिकली आपका सर्फ इस तरीके की चीज हो गई, ये हमारा जो है सन है, तो ये बेसिकली हो गया कोर जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और ये है सरफेस, सरफेस पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है जो भी ऑलरेडी भी बहुत ज्यादा है। इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे मिशंस भेजे हुए हैं, जैसे हमारा अभी रिसेंट में हम लोगों ने भेजा है एक सोलार मिशन, दिस इज आवर सोलार मिशन। इसके अलावा हम लोगों ने भेजा हुआ है आदित्य L1, जो कि आदित्य L1 मतलब L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे रखा गया है और ये सन को वॉच कर रहा होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ मिशंस और भी भेजे हुए हैं, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट हियर, हम लोग बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स में, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ही रखा है। आगे अगर बात करें तो डेंसिटी जो होती है 1.41 टाइम्स दैट ऑफ वाटर होती है, यानी इसकी डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। डेंसिटी ऑफ आयरन के बारे में बात करें तो 7870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और यहां पर देख सकते हैं कि रिलेटिवली नियर अबाउट सेम सी आपको मिल जा रही होगी, क्योंकि यहां पर देखिए ये है आपका नियर अबाउट में 1000 में 1.41 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1400 समथिंग आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ आयरन से रिलेटिवली थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहां पर कुछ और भी चीज है, जैसे इसमें सिलिका पाई जाती है, इसमें निकल पाया जाता है, इसमें गोल्ड पाया जाता है, इसमें आयरन भी पाया जाता है। अब आयरन की जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इन लोगों की डेंसिटी तो कम ही है, तो इस वजह से ओवरऑल जो डेंसिटी होती है वो केवल और केवल 1410 टाइप की रह जाती है, कम हो जाती है आयरन से रिलेटिवली। That implies iron is 7.87 times denser than, ये सब चीजें हो जा रही होती हैं। The surface gravity of sun is 274 meter per second square, that is 28 times the gravity of sun. अब basically ये क्या चीज है, ये देखिए हम लोगों ने force के बारे में बात कर रखा था कि G m1 m2 upon r square होगा जब भी कोई भी planet या कोई भी body इसके संपर्क में आती है। तो sun का अपना खुद का एक gravity भी हो गया, gravity मतलब F बराबर क्या होता है, ma होता है, एम ए की जगह पे आप जी रख सकते हैं, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास कैंसिल हो गया, यानी जी इज इक्वल टू आर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जी एम और अपॉन आर स्क्वायर अगर अर्थ के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 9.81, ये होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो हमारा सन है उसकी है 274, मतलब नियरली आपको 28 टाइम्स देखिए दिखेगा। तो ये लगभग 9.8 है और ये 274 है, तो लगभग 28 times that of the earth हो जा रहा होता है।
तो ये 28 टाइम्स केवल और केवल आप याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अदरवाइज ये काफी ज्यादा फ्लडिंग हो जाएगी डेटा की। कंपैरेटिवली द सरफेस ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड मून आर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून की हो जाती है 1.62 क्योंकि इसका मास भी रिलेटिवली कम होता है, साइज भी कम होती है। पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब सन भी हमारा बेसिकली रोटेट कर रहा है, इस तरीके से हमारी सन भी रोटेट कर रही होती है। रोटेट करने के का जो इसका टाइम है वो 25 दिन 9 आवर्स ये लगते हैं। क्वेश्चन ये होता है देन व्हाई वी आर कंसीडरिंग सन एज अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट, वो हम लोग केवल और केवल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए रखते हैं क्योंकि सन अगर रोटेट भी कर रहा है तो उसे मैटर क्या करता है, क्योंकि ये तो एक बर्निंग ऑब्जेक्ट है। अब बर्निंग ऑब्जेक्ट रुका हो, चाहे वो घूम रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसे हमें क्या करना है, वो हमारे लिए एक बर्निंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन स्टडी से ये पाया गया है कि इसकी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सॉरी पीरियड ऑफ रोटेशन 25 डेज 9 आवर्स होती है। रोटेशन के बारे में बात करें तो रोटेशन भी इसकी खुद की है, 7179.73 इस तरीके से हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि अर्थ के रोटेशन वेलोसिटी का इतना टाइम्स हो जाती है। ये भी देखिए अगेन हमारे लिए कुछ खास कंपैरेटिवली कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर मान लेते हैं दिस इज सन और ये बाकी सारे प्लैनेट्स हो जा रहे होते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही घूम रहा है। जैसे आप ये मान करके चलिए कि आप बस में बैठे हुए हैं, बाकी पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं, तो व्हेन यू आर इन अ बस देन यू आर कंसिडरिंग द अदर पीपल विच इज दे आर इन द बस, यू आर नॉट कंसिडरिंग हु इज नॉट इन द बस। तो आप बेसिकली अपने रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं चीजों को। बाहर वाला बंदा जब देखेगा तो सब मूव करते हुए दिखेगा, लेकिन विद इन द बस जब आप देखेंगे तो सिस्टम हो जाता है। और हम लोग बेसिकली विद इन द बस की ही बात कर रहे होते हैं, विद इन द बस। और बाकी जब हम लोगों को दूसरे प्लैनेट के बारे में देखना होता है तब हम चीजों को भले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रही है। तो आपको एक बेसिकली आइडिया लग गया होगा कि क्या कुछ हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, काफी डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं विच इज बियॉन्ड एनसीईआरटी। चलिए खैर आगे अगर देखें तो देखिए अगेन फिर कुछ और भी सन के बारे में बताया गया है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी में है, वेयर एज सब्सटैंशियली डिमर एंड कूलर स्टार नोन एज रेड ड्वार्फ्स आर वेरी कॉमन हियर। द सन इज कंपोज्ड ऑफ रफली 98% हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहां पर तो मतलब बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टार होते हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही मेनली पाए जा रहे होते हैं, ऑल्दो और भी चीजें होती हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सोलर सिस्टम्स मास इज द सन एंड मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग मास कंटेन्ड इन जुपिटर एंड सैटर्न। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। इनफैक्ट जो होता है जुपिटर सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे सैटर्न आती है, और ये काफी बड़े बड़े प्लैनेट्स हो जाते हैं जिसके कारण से जो सन का मास है उसका मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग मास जो होती है इसी में टिका हुआ है। ऑल दो द सन डोमिनेट्स द सिस्टम बाय मास इट अकाउंट्स ओनली अबाउट 2% ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू डिफरेंशियल रोटेटिंग विद इन द गैसियस सिस्टम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज दिस एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों ने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हेन टू बॉडीज, मान लेते हैं एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, इस बॉडी पे अगर आप ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर मान लेते हैं एंड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है इस पे, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब क्या है? एम वी आर ये रहेगा कॉन्स्टेंट, दिस विल बी कॉन्स्टेंट। तो अगर मान लेते हैं कि ये इस तरीके से घूम रहा है देन इसका एक मास होगा, इसकी एक वेलोसिटी होगी और इसका एक रेडियस होगा जिसके चारों ओर में ये घूम रहा है। तो सिमिलरली यही सारी चीजें होंगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रोवाइडेड कि रेडियस सबका सेम है। तो यहां पर वही चीज है कि केवल और केवल 2% ऑफ द एंगुलर मास जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो है ये कंजर्व कर रहा होता है। सन की जो रोटेशन है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है व्हेन व्यूड फ्रॉम अ लॉन्ग वे अबव अर्थ नॉर्थ पोल। तो अर्थ के नॉर्थ पोल से जब आप देख रहे होते हैं तब ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है। देखिए काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इट डिपेंड्स कि आप चीजें कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सिस्टम जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेकिन जब नीचे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो क्लॉकवाइज हो गया। क्यों? क्योंकि आप जो एंगल ऑफ विजुअलिटी है वही बदल गई है। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए अर्थ के नॉर्थ पोल से व्हेन यू आर वॉचिंग फ्रॉम हियर देन आप जो होता है बोलेंगे कि सन की जो रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या चीज है। आगे अगर बात करें तो दोज ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द सन
which are more affected by heat and light pressure are composed of element with high melting point. Obviously, ये बताइए, मान लेते हैं किसी, आप एक हीटर के पास में बैठ करके मान लेते हैं कि गर्मी ले रहे हैं, तो अब क्या होगा कि सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो आप जब पास रहेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा गर्मी लगेगी, दूर बैठे रहेंगे तो कम गर्मी लगेगी इसकी. तो बस वही चीज है कि जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा हीट और लाइट प्रेशर सह रहे होते हैं बाकियों के रिस्पेक्ट में. ऑब्जेक्ट फॉर्दर फ्रॉम सम जो भी सन है आर कंपोज लार्जली ऑफ मटेरियल विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट. ऑब्वियसली जो बाहर रहेगा उसका जो हीट रहेगी वो कम रिसीव कर रही होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी रिलेटिवली कम हो जा रही होगी. इसके बाद अगर बात करें तो सन्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर. अब हम लोग जरा सन के अंदर में आ जाते हैं और सन की चीजों के बारे में जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं. तो सन की जो इंटीरियर है फ्रॉम द इनसाइड आउट इज मेड ऑफ कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन. इसके बारे में अभी फिगर भी देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. बस आप ये समझिए कि देखिए हर एक ऑब्जेक्ट में, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके पास में एटलीस्ट देयर विल बी कोर. कोर का मतलब क्या है? कोर का मतलब होता है सेंटर. सेंटर किसी भी चीज की कोर कहलाती है. और किसी भी चीज की जो कोर होती है वो काफी ज्यादा डेंस होती है, भले वो कितना भी लाइट हो लेकिन डेंस रहेगी उसकी कोर. सेंटर में जो उसका टेम्परेचर रहेगा वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा रहेगा अगर वो एक एनर्जी सोर्स है तो. क्लियर हो गया? द सोलर एटमॉस्फेयर अबव दैट कंसिस्ट ऑफ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना. तो बेसिकली हमें तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना होता है. एक होती है फोटोस्फीयर, दूसरी होती है क्रोमोस्फीयर और लास्ट होती है जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं. इस कोरोना से ही सोलर विंड वगैरह जो होती है वो निकल रही होती है. इन सारे टर्म के बारे में हम लोग अभी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. समझाने के लिए केवल और केवल आपको एक आइडिया दे देता हूं अभी कि हाँ, जो अंदर के सर्फ, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा का पूरा सन का सरफेस है, तो एक होगी जो आउटर सरफेस होगी, दिस इज द आउटर सरफेस. इस आउटर सरफेस को हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर. दिस इज बेसिकली फोटोस्फीयर. इस फोटोस्फीयर के कारण से एक इल्यूमिनेटेड सरफेस बनेगा जस्ट बाहर, विच इज नॉट पार्ट ऑफ सन एक्चुअली, लेकिन वो एक आउटर सरफेस बना रहा होगा. इसको बोलते हैं हम लोग कोरोना. दिस इज कोरोना, सन की कोरोना, जहां से लाइट निकल रही है. इस कोरोना फोटोस्फीयर के बीच में जो सरफेस की सबसे आउटर लेयर है, ओनली द सरफेशियल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर. क्यों? क्योंकि ये क्रोम के तरीके से होता है, मतलब कि लाइट जो है वो निकाल रहा होता है, तो ये क्रोमोस्फीयर हो जाते हैं. तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली कोरोना इज अ इल्यूमिनेटेड सरफेस और ये जो बाकी के सरफेस है वो सन के पार्ट वाले सरफेस हो जा रहे होते हैं. तो देखिए हमारा पूरा का पूरा सन है. सन में जब आप देखेंगे तो देखिए इनर साइड में आपको बहुत लाइट दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर. जस्ट बाहर रेडिएटिव जोन है. क्यों? क्योंकि रेडिएशंस यहां से निकल रही है. रेडिएशन के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने स्टीफन प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, यहां लिख दे रहा हूं. स्टीफन प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था. बाकी ये कन्वेक्टिव जोन हो जाता है. अब देखिए फोटोस्फीयर यहां पर लिखा हुआ है एंड दिस इज बेसिकली द सरफेस जस्ट बीनीथ द, जो भी बाहर का आउटर मोस्ट सरफेस है उसके जस्ट अंदर आपको दिख जाएगा कि ये फोटोस्फीयर है. फोटोस्फीयर के जस्ट बाहर सरफेस पे आपको दिखेगा कि क्रोमोस्फीयर है. इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन होने जाता है, तो खैर इसका कोई मतलब नहीं है. यहां पर आपको दिखेगा, देखिए इल्यूमिनेटेड सरफेस जो ये बाहर इल्यूमिनेशन निकल रही है, इसको हम लोग कोरोना बोल देते हैं. क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए इस सरफेस में एक सन स्पॉट है. सन स्पॉट का मतलब जहां पर भी थोड़ा धब्बा टाइप का चीज आपको दिखेगा उसको हम लोग सन स्पॉट बोलते हैं. इस सन स्पॉट में दो टर्म होते हैं, एक होता है पेनम्ब्रा और एक होती है अम्ब्रा. अम्ब्रा का मतलब होता है जो डार्क पार्ट होता है, पेनम्ब्रा का मतलब होता है जो लाइटर पार्ट होती है, तो उसको पेनम्ब्रा और अम्ब्रा बोला जाता है. फिर एक होती है प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंस का मतलब होता है जो बर्निंग थिंग होती है, जहां पर जल रहा होता है, तो बर्निंग जो चीज होती है उसको हम लोग सोलर प्रोमिनेंस बोल रहे होते हैं. तो फिगर से आपको एक चीजें दिख गई होंगी क्या कुछ है हमारे पास. अब हम लोग जरा एक एक टर्म को डिस्कस करना शुरू करते हैं. सबसे पहले देखेंगे हम लोग फोटोस्फीयर के बारे में. तो फोटोस्फीयर इज द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ सन दैट एमिट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन. द फोटोस्फीयर इज एन एक्सट्रीमली अनइवन सरफेस. द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑन द आउटर साइड ऑफ फोटोस्फीयर इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपको एक आइडिया लग गया बेसिकली क्या चीज है. सरफेस के जस्ट पहले वाली चीज जो होती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फोटोस्फीयर. दूसरी चीज आती है क्रोमोस्फीयर. क्रोमो क्या है? फोटोस्फीयर के नेक्स्ट वाला चीज. तो जस्ट अबव द फोटोस्फीयर द क्रोमोस्फीयर. इट इज रिलेटिवली अ थिन लेयर ऑफ बर्निंग गैसेस. तो ये भी आइडिया लग गया. इट इज रिलेटिवली कूलर, क्योंकि 6000 नीचे है तो बाहर निकलेगा तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू कर देगा, क्योंकि कूलिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे ही एरिया एक्सपैंड हो जा रहा होता है.
फिर हमारी नेक्स्ट सरफेस आ जाती है, नेक्स्ट चीज आती है जिसको बोलते हैं हम लोग सन स्पॉट। सन स्पॉट वही जो मैंने आपको बोला कि एक डार्क पैच ऑन द सरफेस ऑफ सन जो होती है उसको हम लोग सन स्पॉट बोल रहे होते हैं। दे अपियर एज डार्क एरिया बिकॉज दे आर 500 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कूलर देन सराउंडिंग क्रोमोस्फीयर। द इंडिविजुअल सन स्पॉट हैज अ लाइफ टाइम रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू डेज टू अ फ्यू मंथ। ईच स्पॉट हैज अ ब्लैक सेंटर जिसको हम लोग अम्बरा बोलते हैं, जो मतलब कह लीजिए खाली जगह होती है या लाइट एकदम से लाइट होती है एंड मतलब डार्क होती है सॉरी, एंड द लाइटर रीजन जिसको हम लोग पेनम्ब्रा बोल रहे होते हैं सराउंडिंग। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने अभी फोटो बनाया था इस तरीके से, जहां पर एक साइड में इस तरीके से बना हुआ था जिसको हम लोगों ने अम्बरा बोला था और बाकी के इधर उधर बना हुआ था उसको हम लोगों ने पेनम्ब्रा बोला हुआ था। ठीक है, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट सन इज 1% कूलर व्हेन इट हैज नो सन स्पॉट एंड दैट दिस वेरिएशन इज सोलर रेडिएशन माइट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली सन स्पॉट अगर बढ़ती है तो क्लाइमेट चेंज अर्थ पे हमें देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि टेम्परेचर में लगातार चेंज देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी सोलर विंड, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सोलर विंड का मतलब होता है, जरा समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा मैं साइंटिफिक तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं। तो ये हो जाता है हमारा सन। सन के पास हमें पता है कि लाइट बहुत ज्यादा है तो ये रेडिएशन के फॉर्मेट में निकल रहा होगा। तो दिस इज बेसिकली द रेडिएशन। रेडिएशन किसके कारण से रेडिएशन है, किस कारण का, ये कारण है लाइट का। लाइट का मतलब कि हीट का, तो हीट रेडिएशन है। तो यहां पर बेसिकली क्वांटम ऑफ एनर्जी निकल रही होती है, क्वांटम ऑफ एनर्जी। इस क्वांटम ऑफ एनर्जी जो लाइट एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोटॉन्स। दिस इज बेसिकली फोटॉन्स। होती किस फॉर्मेट में है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में। तो अब ये देखिए, जब भी ये चीजें मूव करेंगी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मूव कर रहे हैं हर जगह पे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसको बेसिकली बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग सोलर विंड। तो आइडिया लग गया आपको क्या चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो चीज होती है वो होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सबका यूज करेंगे हम लोग, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो लाइट किस डायरेक्शन में होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट, या कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट वहां पर रहेगा जहां पर प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रही है तो प्रोटॉन ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो रही होती है। यहीं पर एक टर्म होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम करिएगा आप लोग सोलेनोइड के बारे में पढ़ के रखिएगा, जितने भी लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं सोलेनोइड पढ़ के रखिएगा, क्योंकि हम लोग यहां से इंड्यूस्ड करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या कुछ ये चीज है, इन सब के बारे में क्या कुछ चीज है, मैं आपको बैकग्राउंड बता दिया। सोलर विंड आपको समझ में आ चुकी है क्या चीज है। तो सोलर विंड इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, प्राइमरली इलेक्ट्रॉन देखिए लिख भी दिया एंड प्रोटॉन, फ्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द सन एट ए स्पीड ऑफ हाई एज 900 किलोमीटर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 1,000,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज मेड ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, बस समझ लीजिए कि आयोनाइज्ड एटम होती है, प्लाज्मा उसी को बोल दे रहे होते हैं, सीरम एक तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा सन है, दिस इज सन। अब लिखूं कहां, ये सन है। सन की देखिए ये हमारी जो होती है ये वाली सरफेस हो जाती है फोटोस्फीयर। यहां पर देखिए ये हो जाती है क्रोमोस्फीयर, और बाकी ये तो कोरोना निकल ही रहा है। इस हीट के कारण से लगातार रेडिएशन देखिए निकलते आ रहे हैं, और ये रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में आ रहे हैं। यहां पर देखिए हमारी ये बनी हुई है अर्थ, इस अर्थ के चारों ओर देखिए एक ब्लू सरफेस बना हुआ है। ये ब्लू सरफेस कुछ नहीं है, बस ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए देखिए यहां पर क्या है, इल्यूमिनेशन हो रखा है, इल्यूमिनेशन। एक्चुअली एक बात ऐसे समझ के सोच सकते हैं आप इसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इस इलेक्ट्रॉन के फील्ड को एक रिपल्जन दे रही होती है। इस रिपल्जन के कारण अब जो आयनाइज्ड मटेरियल है वो और एनर्जी पा जा रहे होते हैं, रिपल्जन पा रहे होते हैं, जिसके कारण से इन केस अगर ये अंदर की ओर में अट्रैक्ट हो गए, अंदर की ओर में आ गए, तो ये पहुंचेंगे कहां, केवल और केवल पोल्स पे ये पहुंच सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है कि पोल्स पे ही पहुंच सकते हैं। जब ये पोल्स पे पहुंचते हैं तो होता क्या है, यहां पर इनका आयोनाइजेशन होने के कारण से ये अलग अलग कलर के दिखना शुरू हो जाते हैं।
जैसे कि रेनबो होता है ना, सेम वैसे ही यहां पर भी अलग अलग कलर दिखना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन, क्योंकि हर एक लाइट की, विबग्योर में हर एक लाइट की अपनी अलग एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी एनर्जी ये लोग ले लेते हैं और अपने वाले कलर में आ जा रहे होते हैं। अब रेड वाले को रिलेटिवली कम एनर्जी की जरूरत है, ग्रीन वाले को ज्यादा की जरूरत है, ब्लू वाले को और ज्यादा की जरूरत है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही ये आयनाइज होकर के जैसे ही अलग अलग एनर्जी के फॉर्मेट में आ जाएगा तो ये पोल पे कुछ बेहतरीन सी चीज करने वाला है। अब ये बेहतरीन सी चीज क्या है हम लोग अभी थोड़े देर में डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज द ऑरोरा। तो इफेक्ट ऑफ सोलर विंड के बारे में ही बात कर लेते हैं। ऑरोरा इसको बोलते हैं जो हमारा ये आयोनाइज्ड मटेरियल होता है, या कह लीजिए जो हमारा आयोनाइज्ड सोलर सिस्टम होती है या सोलर विंड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑरोरा। अब ये ऑरोरा मैंने आप लोगों को बोला कि नॉर्थ में भी होगी साउथ में भी होगी, तो देखिए दोनों का नाम अलग अलग रखा जाता है। जो नॉर्थ में होती है उसको बोला जाता है ऑरोरा बोरेलिस, और जो साउथ में होती है उसको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ऑस्ट्रेलिस। क्लियर हो गया? तो आपको एक चीज समझ में आ गई, ये हुआ क्यों है? ये हुआ है सोलर विंड के कारण से। इसके पीछे फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ अर्थ के होने के कारण से। रीजन क्या है या कौन से पार्टिकल है ये? ये है इलेक्ट्रॉन, या इसको बोल सकते हैं हम फोटोन, जो ये एनर्जाइज हो रहा है, जो ये चीजें निकल के आ रही है। आ कहां से रहा है? सोलर विंड से। ये कहां से आ रहा है? सन के, कह लीजिए कि क्रोमोस्फियर से, सन के क्रोमोस्फियर से। तो सारी कहानी क्लियर हो गई, कौन सी चीज क्या हो रही है, कैसे हो रही है, स्टार्ट करते हैं हम। तो ऑरोरा इज अ नेचुरल लाइट डिस्प्ले इन द स्काई प्रीडोमिनेंटली सीन इन हाई लैटिट्यूड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। तो ये बन गया नॉर्थ और ये बन गया साउथ रीजियन। दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ एंड सोलर विंड। तो आपको क्लैरिटी आ गई, फिजिक्स इसके पीछे का समझ में आ गया है। पूरा ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, हम लोग पूरी फिजिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। फिजिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो मैं अभी आपको बताते रहूंगा, आइडिया लेते रहिएगा, और जिन लोगों ने पढ़ी है वो लोग तो एकदम दोहरा के रखे रहिए, रिवाइज करके रखे रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है आपको ज्योग्राफी में। तो ऑरोरा और कॉज्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल, दे चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, मेनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इंटरिंग द एटमोस्फियर फ्रॉम अबव कॉजिंग आयोनाइजेशन एंड एक्साइटिंग द एटमोस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट एंड कंसिक्वेंट ऑप्टिकल एमिशन। क्लियर हो गया? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, समझाने की जरूरत नहीं है। ये है वो फिगर जो आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए अलग अलग कलर है, विबग्योर आपको देखने को मिलेगा, विबग्योर। और ये जो विबग्योर है, हर चीज की एनर्जी अलग है, एनर्जी जैसे इस तरीके से जो होती है, यहां पर एनर्जी का बढ़ता हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा, और बढ़ता हुआ रूप में आपको अलग अलग तरीके से ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर ये नॉर्थ में हो रही होगी तो इसका नाम हम बोलेंगे ऑरोरा बोरेलिस, और अगर साउथ में हो रही होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्लियर हो गया? चलिए अब आती है सोलर फ्लेयर के बारे में। सोलर फ्लेयर ऑलरेडी हालांकि आप लोग समझ ही गए हैं, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोलर विंड। देख लेते हैं, सोलर फ्लेयर आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सन सर्फेस ड्यू टू मैग्नेटिक एनोमलीज। तो मैग्नेटिक एनोमली का मतलब होता है एक तरीके से डिफरेंस, समझ लीजिए। तो जब भी मैग्नेटिक डिफरेंस आएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक डिफरेंस सन विल प्रोड्यूस सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर मतलब एक तरीके की समझ लीजिए कि सोलर विंड ही है जो निकल रही होती है। दे आर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स विच अपियर टू बी वेरी ब्राइट स्पॉट विद अ गैसियस सरफेस इरप्शन। एज सोलर फ्लेयर्स आर पुश्ड थ्रू द कोरोना द हीट इट्स गैस टू एनीवेयर फ्रॉम 10 टू 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो खैर ये चीज हो जाती है जो हमारी सोलर फ्लेयर के बारे में थी। अब हम लोग जरा आते हैं सोलर प्रोमिनेंस के बारे में। इस सोलर प्रोमिनेंस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने फोटो में देखा हुआ था कि द एक्चुअल फायर इन द सन, उसको हम बोल रहे थे सोलर प्रोमिनेंस। देख लेते हैं, द आर्क ऑफ गैस दैट इरप्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर प्रोमिनेंस। तो बेसिकली ये जो आर्क ऑफ गैस है, या बोल सकते हैं कि जो बेसिकली फायर है जो निकल रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस कैन लूप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल इनटू द स्पेस, घूम सकते हैं। दे आर हेल्ड एबव द सन सर्फेस बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन लास्ट फॉर मेनी मंथ्स एट सम टाइम इन देयर एग्जिस्टेंस। मोस्ट प्रोमिनेंस विल इरप्ट स्प्यूइंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सोलर मटेरियल इन टू स्पेस। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई कि आखिर में क्या चीज है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कोरोना के बारे में। तो कोरोना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, द इल्यूमिनेटेड सर्फेस। तो इट इज अ डिस्टिंक्टिव एटमोस्फियर ऑफ प्लाज्मा दैट सराउंड द सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। सन्स कोरोना एक्सटेंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर इन टू स्पेस एंड इज मोस्टली इजिली सीन ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स। सन्स कोरोना विजिबल ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। अब देखिए ये जो सोलर इक्लिप्स हो गया या लूनार इक्लिप्स हो गया, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।
चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या फिर अमावस्या, पूर्णिमा, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तो काफी क्लैरिटी के साथ देखेंगे। यहां पर देखिए आपको और अच्छे से दिख रहा होगा, ये बीच में हमारा कोई एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या कह लीजिए कि कुछ भी एक हमारी सोलर सेलेस्टियल बॉडी आ गई है, कोई एक सेलेस्टियल बॉडी है, दिस कैन बी अ प्लैनेट और दिस कैन बी एनी सैटेलाइट, तो कोई एक सेलेस्टियल बॉडी आ गई है। इसके पीछे हमारा सन है, सन के ये जो आप सरफेस पे देख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर है। इस क्रोमोस्फीयर के बाद में यहां पर आपको दिख रहा होगा कि दिस इज बेसिकली कोरोना। अब आप जब दूर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, अगर मान लीजिए ये बैकग्राउंड, ये सब जो कोरोना वगैरह हटा दीजिए, तो आपको दिखेगा दिस इज बेसिकली अ रिंग, एक तरीके की रिंग दिखेगी। और ये जो रिंग होती है जब दूर से देख रहे होते हैं तो एक बीड के फॉर्मेट में दिखती है, बीड, और इसी को बोलते हैं हम लोग हेलीज बीड, दिस इज हेलीज बीड, या इसी को बोलते हैं हम लोग डायमंड रिंग, डायमंड रिंग। क्लियर हो गया क्या क्या चीज है? तो बेसिकली जब भी इस तरीके की सोलर इक्लिप्स हो रही होती है तो हमें इस तरीके का एक इल्यूमिनेटेड सरफेस दिख रहा होता है, जिसको कि हम लोग हेलीज बीड या फिर डायमंड रिंग बोल रहे होते हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा पूरा सन के बारे में, सन के सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जरा आ जाते हैं अपने प्लैनेट्स पे। प्लैनेट के बारे में अगर देखें तो देखिए, अ सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ स्टार इज नोन एज अ प्लैनेट। तो बस वही है, जो भी सन के चारों ओर में या किसी स्टार के चारों ओर में घूमता है उसे हम लोग प्लैनेट बोल देते हैं। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट होते हैं उनको दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, एक होते हैं जो इनर प्लैनेट होते हैं और दूसरे होते हैं जो आउटर प्लैनेट होते हैं। इनर प्लैनेट के बारे में अगर बात करें तो देखिए, ये वो लोग होते हैं जो सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में होते हैं। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया था, जहां पर इन दोनों के बीच में कौन कौन से प्लैनेट आ गए। ये प्लैनेट आ गया आपका जो मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, बुध, बुध के बाद आपका वीनस शुक्र आ जाता है, फिर पृथ्वी आ जाती है और मंगल आ जाते हैं। तो ये ग्रह आ जाते हैं, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, मीनिंग अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक मेटल्स एंड हैव हाई डेंसिटी मटेरियल। दूसरे जो होते हैं आउटर प्लैनेट होते हैं, जिनको हम लोग जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको गैस जायंट प्लैनेट भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे जोवियन इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये जुपिटर लाइक होते हैं, मतलब गैसियस मटेरियल होते हैं, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। इनर प्लैनेट में देखिए वही जो चार मैंने आप लोग को बताया वो हो जाते हैं, और जो आउटर प्लैनेट होते हैं उसमें बाकी के बचे हुए चार आ जा रहे होते हैं। जोवियन प्लैनेट आर मोर लाइक द सन देन लाइक द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े हो जाते हैं काफी ज्यादा, और उसमें बस ये है कि टेम्परेचर नहीं होता है, दे आर सुपर कूल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इफ वी टेक जुपिटर द बिगेस्ट प्लैनेट सेंटर ऑफ प्लैनेट अवर सोलर सिस्टम, द साइज ऑफ प्लैनेट बिकम्स स्मॉलर एज वी गो अवे फ्रॉम ईदर साइड ऑफ जुपिटर, को किसी भी साइड में जाएंगे तो वहां पर जो होता है चीजें घट रही होती हैं। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट आर नियरली सर्क्यूलर बट मेनी कॉमेट्स एस्ट्रॉइड एंड क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स फॉलो हाईली इलिप्टिकल ऑफ ऑर्बिट्स। तो खैर ये तो आपको पता ही चल जाएगा, ये बेसिकली वो टेबल है जो आपको याद करनी है। याद क्या करनी है, यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या चीज है। अब देखिए इसको समझने के लिए यहां पर जरा ऊपर आइए, ये मान लेते हैं कि हमारा ये सन है, सन के बाद हमारी एक पहली प्लैनेट आ जाएगी, ये हमारी फर्स्ट प्लैनेट आ जाएगी। फर्स्ट मैं लिख देता हूं मर्क्यूरी है, सेकंड लिख देता हूं मैं वीनस है, थर्ड लिख देता हूं मैं अर्थ है, फोर्थ लिख देता हूं मैं मार्स है, फिफ्थ लिख देता हूं मैं कौन सी है जुपिटर है, सिक्स लिख देता हूं मैं सैटर्न हो गया, सेवंथ लिख देता हूं मैं यूरेनस हो गया, और एट लिख देता हूं मैं वो हो गया नेपच्यून। तो बेसिकली ये चीज हो गई। अब देखिए सब के सब क्या है, सन के चारों ओर में घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं सब के सब। तो जब सब के सब चारों ओर सन के ही घूम रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो लिखूं कहां पे, यहां लिख लेते हैं, सुनिए पीछे ही चल लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने आप लोगों को बोला था कि बेसिकली व्हाट एम वी आर ये जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब देखिए जैसे ऐसे आप सन से दूर होते जाएंगे आपकी रेडियस बढ़ते जाएगी, ये मान लीजिए सर्कल है, ये रेडियस हो गया, छोटा वाला सर्कल है ये रेडियस हो गया, तो रेडियस बढ़ते जाएगी, यानी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो कम होने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए आपका जो प्लैनेट है इसकी ये तरीका हो गया चलने का, तो जब ये धीरे धीरे चलेगा तो अब सन के चारों ओर चक्कर लगाने में समय बढ़ता जाएगा, और वो भी जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ते जाएगा। तो अब जरा देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये बढ़ते जा रहा है, पहले 0.4 है, फिर 0.7 है, फिर 1, 1.5, 5.2, ये सब देखिए बढ़ते जा रहा है लगातार।
इसके साथ साथ में ही पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या ये बढ़ते आ रहा है 87, फिर 224, 365, 687, 11.9, 29, 84, 164. तो आपको एक आइडिया लग गया कि ये बढ़ते आ रहा है और इसका रीजन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दिस इज द बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो बेसिकली रिवॉल्यूशन के बारे में आप समझ गए, डिस्टेंस फ्रॉम द सन समझ गए हैं. रोटेशन के बारे में कोई फिजिक्स नहीं लगती है, आपको याद करना पड़ता है. दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन. तो यहां पर जब आप देखेंगे तो शुरू में काफी टाइम लग रहा है और बाद में अर्थ को 23.56 आवर लग रहे हैं. मार्स को भी नियर अबाउट सेम सा ही लग रहा है, बाकी के लोगों को भी घंटे घंटे में लग रही हैं. तो ये बेसिकली यहां पर थोड़ा सा आप मास से कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों लाइट होते हैं इसलिए काफी समय लगा देते हैं, बाकी लोग जो होते हैं भारी भारी होते हैं इसलिए उतना समय नहीं लगा रहे होते हैं. चलिए खैर, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा. बाकी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और डिस्टेंस ये समझ में आ ही चुका है. डायमीटर, अब देखिए डायमीटर आपको ऐसा चीज याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप याद रखिए साइज का रैंक, ये इंपॉर्टेंट है. साइज के रैंक में जब आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर पृथ्वी आ जाती है. यहां पर मार्स एक्सेप्शन है, अदरवाइज ऊपर इधर से नीचे जुपिटर से आप नीचे जाइए चाहे जुपिटर से ऊपर आइए, दोनों के केस में जुपिटर मतलब जो ट्रेंड होता है वो घटने का ट्रेंड होता है. हालांकि मार्स थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहां पर और यहां पर थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं, अदरवाइज सिस्टम यही होता है कि यहां पर देखिए यहां पर सिस्टम 1, 2, 3, 4 ये हो गया, फिर इस 7 को हटा दे तो 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आ जाता है. तो मार्स यहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं. अब इसके बाद से लास्ट चीज हो जाती है जिसको हम लोग मून बोलते हैं. मून मतलब जो प्लैनेट का खुद का एक सैटेलाइट होती है जो प्लैनेट के चारों ओर घूम रही होती है. मर्क्यूरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. अर्थ का तो एक है, फिर बाकी मार्स के दो हैं, बाकी लोगों के इतने सारे हैं. सबसे अगर ज्यादा बात करें तो जुपिटर का है. हालांकि देखिए ये जो डेटा लिखा गया है डेटा गलत है क्योंकि दोनों के दोनों इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं. रिवाइज डेटा ये है कि अब सैटर्न के सबसे ज्यादा हैं, सैटर्न के बहुत ज्यादा हो गए हैं, नियरली 89 या 90 के नियर अबाउट में हो गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा. सैटर्न का अब ज्यादा हो गया है आपका जो भी डेटा है. तो इस चीज को जरा यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा कि दिस इज नो मोर 62, सैटर्न के अब सैटेलाइट, सैटर्न के अब मून सबसे ज्यादा हो चुके हैं. चलिए खैर, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सिस्टम. यहां पर जब आप देखेंगे तो कुछ के नाम आपको याद रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है. जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ का जो है सैटेलाइट वो हो जाता है मून. यूरेनस के सैटेलाइट के बारे में बात करें तो देखिए मिरांडा हो गई, या ओबेरॉन हो गया, एरियल हो गया, अम्ब्रेल हो गया, फिर जो हमारी टाइटेनिया हो गई, ठीक है. तो ये हो जाती है. मर्क्यूरी कोई भी नहीं है, वीनस कोई भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद अगर मार्स के बारे में बात करें, वेयर इज आवर मार्स, यस ये मार्स है हमारा, इसमें फोबोस और डेमियोज ये दो है, ये दोनों याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली जो होता है जुपिटर के बारे में बात करेंगे, सैटर्न के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो सैटर्न में आपका टाइटन आ जाएगा, रिया आ जाएगा, डायोन आ जाएगा, लापेटस आ जाएगा, टेथिस हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाती है हमारी इसकी. इसके अलावा देखिए प्लूटो वगैरह आ जाती है, बाकी हमारी जुपिटर नहीं दिया है क्या, जुपिटर यहाँ पे है देखिए, ये गैनिमेडे हो गया, कैलेस्टो हो गया, लो हो गया, यूरोपा हो गया. यूरोपा और अर्थ में काफी सिमिलैरिटी है, बोथ हैव सेम टाइप ऑफ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस में दोनों के दोनों सेम होते हैं और इसी वजह से हम लोग इसमें लाइफ खोज रहे हैं. बाकी आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है कि नेपच्यून का प्रीटियस हो गया, ट्राइटन हो गया, नहीं नहीं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. द इंपॉर्टेंट थिंग इज जो जुपिटर की हो गई क्योंकि इस पर रिसर्च चल रही है, गैनिमेडे पे रिसर्च चल रही है, यूरोपा पे रिसर्च चल रही है, बाकी इन दोनों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, लो हो गया, कैलिस्टो हो गया, बाकी मून जो हमारी मार्स है ये इंपॉर्टेंट है, डेमियोज और फोबोस. इसके अलावा यूरेनस का ये मिरांडा वगैरह हो जाता है और सैटर्न की भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम लोग वहां पर भी टाइटन वगैरह पे भी हम लोगों ने अपना मिशन भेजे हुए हैं. तो ये हो जाती है पूरी की पूरी हमारी सैटेलाइट से रिलेटेड सिस्टम. अब हम लोग जरा वन बाय वन करके इनर प्लैनेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देखिए अब जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा फैक्चुअल होने वाला है, तो फटाफट हम लोग मूव करेंगे क्योंकि ये याद करना है. पीडीएफ आपको मिली जाएगा तो आप उस चीज को देख करके वापस से याद कर लीजिएगा. इनर प्लैनेट में अगर बात करें तो देखिए इनर सोलर सिस्टम इज द ट्रेडिशनल नेम फॉर द रीजन कंप्राइजिंग द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड एस्ट्रॉइड. दे आर कंपोज मेनली ऑफ सिलिकेट्स एंड मटेरियल्स. द फोर इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैव रॉकी डेंस कंपोजिशन, फ्यू आर नो मून और नो रिंग सिस्टम. दे आर लार्जली कंपोज ऑफ रिफ्रैक्टरी मिनरल सच एज सिलिकेट विच फॉर्म देयर क्रस्ट एंड मेंटल, एंड मेटल सच एज आयरन निकिल विच फॉर्म देयर कोर्स.
three or four material have atmosphere substantially enough to generate weather, all have impact crater and tectonic surface. तो देखिए ये सब अगेन जो होती है चीजें हो जा रही होती हैं. क्यों ये सब चीजें निकल के आती हैं? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बना हुआ है. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा अर्थ का इंटीरियर. तो वहां पे आपको फील आनी शुरू हो जाएगी कि क्या कुछ है. द टर्म इनर प्लैनेट शुड बी कंफ्यूज विद द इंफीरियर. इंफीरियर अलग चीज होती है, इनर अलग होती है. दैट डेजिग्नेटेड टू द दोस प्लैनेट विच आर क्लोज टू द सन दैट अर्थ इज, जैसे ये सब चीजें हो जा रही होती हैं. द टर्म सुपीरियर प्लैनेट डेजिग्नेट प्लैनेट आउटसाइड द अर्थ ऑर्बिट एंड दस इंक्लूड बोथ द आउटर प्लैनेट एंड मार्स. अब आ जाती है सबसे पहले हमारी मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के बारे में देख लीजिए. मर्क्यूरी का जो सरफेस होता है वो हैवली क्रेटर्ड होता है, सिमिलर इन अपीयरेंस टू द मून होता है, इंडिकेटिंग दैट इट हैज ज्योग्राफिकली इनएक्टिव फॉर बिलियंस ऑफ द ईयर्स. क्योंकि सन के बहुत पास में हीट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हीटेड नहीं होता है. सबसे ज्यादा हीटेड होता है वीनस, क्योंकि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है. बात करेंगे अभी हम लोग. When viewed from the earth, the planet can only be seen near the western or eastern horizon during the early evening or early morning. तो ये चीजें इस तरीके से दिख रही होती हैं. It may appear as bright star-like object, but it is less bright than Venus. क्यों? क्योंकि इस Venus का temperature relatively ज्यादा होता है as compared to the Mercury. Having almost no atmosphere to retain heat, it has surface temperature that vary diurnally. Diurnal का मतलब होता है दिन और रात के temperature का difference. तो diurnally दिन और रात के temperature में difference आप देख सकते हैं कि रात में -173 degree है और दिन के दौरान में 427 है. मतलब यहाँ पर अगर आदमी रहेगा तो आदमी नहीं रहेगा, वो कुछ और ही रहेगा. तो Mercury is smaller than the largest natural satellite इन द सोलर सिस्टम. गैनीमेड जो होती है वो जुपिटर की लार्जेस्ट हो जाती है और टाइटन जो होती है वो सैटर्न की लार्जेस्ट हो जाती है. तो मर्क्यूरी की कुछ भी सैटेलाइट वगैरह नहीं है. हावर मर्क्यूरी इज मैसिव देन गैनीमेड एंड टाइटन, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी बहुत ज्यादा है. इमेज जो होती है वो मैसेंजर हमारा स्पेसक्राफ्ट है उसने लिया हुआ था और उसने बताया था कि यहाँ पर वाटर आइस पार्टिकल्स के रूप में है और पायरोक्लास्टिक मटेरियल के फॉर्मेट में जो यहाँ पर वुल्केनिसिटी है वो है. तो देखिए वुल्केनिसिटी अलग अलग तरीके से होती है, जैसे एंडेसाइट, बसाल्ट, ग्रेनाइट, पायरोक्लाइस्ट. तो ये सब चीजें होती हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, आप छोड़ सकते हैं. आप ये समझ सकते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो का मतलब होता है ओलिवाइन मटेरियल. तो ये चीज होती है, एक होती है ओलिवाइन मटेरियल. ठीक है, क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो आपको फील आ जाएगी क्या चीज है. वीनस के बारे में फटाफट डिस्कस कर लें. तो वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. इसको अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी बोला जाता है. ऑलरेडी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है. तो इट इज द ब्राइटेस्ट अमंग प्लैनेट्स बिकॉज इट हैज हाई एल्बिडो ड्यू टू हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड दैट कवर इट्स एटमॉस्फेयर. इट समटाइम्स विजिबल टू नेकेड आई. बाकी ये अर्थ के जैसे दिख रहा होता है इसलिए इसको ट्विन अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी बोला जाता है. इट इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम अर्थ इन मेनी अदर रिस्पेक्ट एंड वीनस इज अलग टाइप का होता है. एक्चुअली क्या होती है, सारे के सारे कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट में. और ये हमारा वीनस कैसे उल्टा घूम रहा होता है, नॉर्थ टू साउथ वाला होता है. तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी सिस्टम अलग होती है इसकी. तो ये काफी ज्यादा डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर वगैरह यहाँ पर. वीनस इज बाय फॉर द हॉटेस्ट प्लैनेट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है. फिर दिस इज बिकॉज द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी जो होती है वीनस की, अ डे ऑन वीनस इज इक्विवेलेंट टू 243 अर्थ डेज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी. ये इसकी जो रोटेशन होती है वो अलग हो जाती है. इट रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन क्लॉकवाइज टू द मोस्ट अदर प्लैनेट्स. तो अलग तरीके से घूम रहा होता है. तो ये ध्यान रखिएगा क्या चीज है. बाकी मार्स के बारे में आ जाते हैं. मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है. मार्स हैज अ थिन एटमोसफियर एंड हैज सर्फेस फीचर रेंजिंग फ्रॉम इम्पैक्ट क्रेटर ऑफ मून एंड वैली डेजर्ट एंड ऑल दैट. ये सब चीजें. मार्स इज द साइट ऑफ ओलंपस मॉन्स, मतलब ये जो यहाँ की वोल्केनो है उसका नाम है ओलंपस मॉन, द लार्जेस्ट वोल्केनो एंड द हाइएस्ट नोन माउंटेन भी इसको बोला जाता है. एंड द वैली ऑफ मेरिनरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनियन ऑफ द सोलर सिस्टम. इन दोनों का नाम याद रखिएगा, इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है. मार्स हैज टू रेगुलर शेप मून्स फोबोस एंड डेमियोस, ये आपको ऑलरेडी पता ही चल गया है. बाकी लिक्विड वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट, बाकी रिसर्च वगैरह तो चली रही है, ये सब आपको पता ही होगा. बाकी तो इसके बारे में देखिए पढ़ लीजिएगा, इसको मैं रीड आउट नहीं करूंगा, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का. बाकी सब चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर. बाकी अगर आगे बढ़े तो मार्स और अर्थ को एक कंपेयर किया गया है. तो 53% ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाती है जो हमारी मार्स है,
10% ऑफ द मास जो है वो मास ऑफ अर्थ हो जाता है। सरफेस ग्रेविटी मार्स की जो होती है 38% केवल है। एक दिन जो होता है 1.03 अर्थ डेज का हो जाता है। तो ये सब चीजें हो जा रही होती हैं। आउटर प्लैनेट में अगर बात करें तो हमारे कुछ आउटर प्लैनेट्स हैं, जिसमें से ये नाम वगैरह है वो आप लोग देख लीजिएगा क्या नाम है इसमें। देखिए अगेन यहाँ पर कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, तो आपको एक बार रीड करना है तो रीड आप कर लीजिएगा, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। अगेन वही चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जुपिटर के बारे में देखिए सब चीजें लिखी हुई है, इसके बारे में अगेन लिखा हुआ है क्या क्या कुछ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने नोट्स से। तो इन सारे की चीजों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा है यहाँ पे यूरेनस के बारे में भी देख लीजिएगा कि इसकी जो डायरेक्शन होती है अलग होती है बाकियों के रिस्पेक्ट में। इसीलिए जो हमारा वीनस होता है, वीनस एंड यूरेनस हैव स्ट्रेंज रिट्रोग्रेड रोटेशन। एक होती है जो क्लॉकवाइज होती है और एक होती है तो सन के अपोजिट में घूम रही होती है। नॉर्थ टू साउथ एक घूम रही होती है और एक घूम रही होती है ईस्ट टू वेस्ट। तो अलग है वीनस और यूरेनस के साथ केस, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा क्या चीज है। नेपच्यून के बारे में बात करें तो यूरेनस एंड नेपच्यून ये दोनों के दोनों आइस जायंट्स होते हैं और इन दोनों को भी ट्विन प्लैनेट बोला जाता है। तो अर्थ और वीनस को बोला गया और नेपच्यून और यूरेनस को भी बोला गया। अरुण वरुण इसको बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय थिक एटमॉस्फियर हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ आइस सच एज वाटर अमोनियम मीथियम मीथेन आइस जायंट्स टू द डिस्टिंक्शन। नेपच्यून हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट सस्टेन्ड विंड ऑफ एनी प्लैनेट। बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी एस्ट्रॉयड। दीज आर नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू डिस्कस। ये सब चीजें आप जरा डिस्कस कर लेते हैं। एस्ट्रॉयड क्या होती है? एस्ट्रॉयड अब जैसे क्या है, मान लेते हैं कि अगर कोई भी थ्योरी लेके चलेंगे आप, तो सन मान लेते हैं, नेबुलर ले लेते हैं या फिर सुपरनोवा ले लेते हैं। तो यहां से अब चीजें टूट करके गिरी थी, तो मैंने आप लोग को बोला था कि कुछ बड़े बड़े पार्टिकल गिरेंगे, तो बड़े बड़े जो पार्टिकल गिरे वो बन गए आपका प्लैनेट। लेकिन इसके अलावा कुछ डस्ट भी तो होगा, तो डस्ट के कारण से जो चीज बनी वो अलग अलग जगह गई। तो एक जगह पे गई जहां पर मार्स और जुपिटर के बीच में इकट्ठा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉयड। जो दूर जाकर के गिरी वो ऊपर बन गई बाद में आगे जाकर के, जो नेपच्यून के बियॉन्ड था। तो इस तरीके से दो अलग अलग सिस्टम हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। एक होती है इसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। एस्ट्रॉयड आर रेमिनेंट ऑफ प्लैनेटरी फॉर्मेशन दैट सर्कल द सन इन अ जोन लाइंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। द रेमिनेंट्स ऑफ प्लैनेटरी फॉर्मेशन फेल टू कोएलीज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर का मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगा के रखा हुआ है। अदरवाइज ये जो एस्ट्रॉयड सिस्टम था, या तो वो मार्स के साथ जाकर के जुड़ जाता या फिर वो अर्थ के साथ जाकर के जुड़ जा रहा होता उसके पास में ही। एस्ट्रॉयड बेल्ट बाकी जो होता है 2.3 to 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इतना दूर है, और बाकी एस्ट्रॉयड के बारे में बता दिया गया। इसको प्लैनेटॉइड के नाम से भी जाना जाता है। एंड दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ रिफ्रैक्टरी कैसे रॉकी मटेरियल है, मिनरल है, मेटल्स हैं एंड सम आइस वगैरह हो जा रही होती है इसमें। एस्ट्रॉयड जो होती है बहुत बड़े बड़े साइज की भी है, छोटी छोटी की भी होती है, जैसे ऑसिरिस रेक्स हो गया या बेनू हो गया या फिर कॉम सीरीज हो गया, ये कुछ एस्ट्रॉयड्स के नाम है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो सीरीज है और बाकी सारे छोटे छोटे हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ एस्ट्रॉयड ब्रेक ऑफ टू फॉर्म मीटियोरॉयड। मीटियोरॉयड भी इसी तरीके की चीज होती है, अगेन एस्ट्रॉयड का ही फॉर्मेट होता है, बट ये मीटियोरॉयड एस्ट्रॉयड बेल्ट को छोड़ करके जा चुका है। अब कहां गया है अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन ये एक तरीके का एस्ट्रॉयड ही होता है, लेकिन ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में नहीं होता है। सीरीज के बारे में देखिए लिखा हुआ है यहां पर कि ये लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है, प्रोटो प्लैनेट होता है ना, ड्वार्फ प्लैनेट भी इसको बोल सकते हैं। ये सीरीज हैज अ मास लार्ज इनफ फॉर इट्स ओन ग्रेविटी टू पुल इट इनटू अ स्फेरिकल शेप। ये देखिए वो फोटोग्राफ है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये बीच में हमारा सन हो गया, फिर हमारा मर्क्यूरी हो गया, फिर हमारा वीनस हो गया, फिर हमारा अर्थ हो गया और फिर हमारा मार्स हो गया। मार्स के बियॉन्ड एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया और ये हमारी जुपिटर आ जा रही होती है। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से डस्ट पार्टिकल के रूप में मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट फैला हुआ है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के पास देखेंगे तो मेन कंसेंट्रेशन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें बाहर भी आपको देखने को मिल जा रही होती हैं। और यही जो बाहर की चीज है, यही अटैक कर रही होती है दूसरे प्लैनेट को, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो अर्थ हो, कोई भी चीज हो। इसके बाद हमारी आ जाती है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट जैसा कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, सेम वैसे ही क्यूपर बेल्ट भी होती है। तो इट इज अ डेब्रिस, इट इज अ रिंग डेब्रिस सिमिलर टू एस्ट्रॉयड बेल्ट बट कंसिस्टिंग मेनली ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि आइस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो काफी हल्के हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर सन से काफी दूर है, तो दूर रहने के कारण से ये आइस पार्टिकल में बदल जाएंगे। इट एक्सटेंड फ्रॉम 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फ्रॉम द सन। अब ये देखिए ये है क्यूपर बेल्ट। यहां पर जब आप देखेंगे तो बेसिकली ये हो गया जो जुपिटर है, ये देखिए सैटर्न हो गया, इसके चारों ओर में रिंग है। रिंग का मतलब ये भी डस्ट पार्टिकल ही होता है, रिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डस्ट, ठीक है। बाकी इसके बाद से यहां पर देखेंगे तो आपको नेपच्यून वगैरह दिख जाएगा और ये आपकी क्यूपर बेल्ट दिख जाएगी बियॉन्ड द नेपच्यून।
न्यूपच्यून के बियॉन्ड में आपको इस तरीके से दिख जाएगी क्यूपर बेल्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है क्यूपर बेल्ट का मतलब। लास्ट आ जाती है हमारी कॉमेट, बोला जाता है कॉमेट क्या होती है, जिसको हम लोग पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज अ स्मॉल आईसी सोलर सिस्टम बॉडी दैट पासिंग क्लोज टू द सन। अब जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज है, अगर वो मूव, ये मान लेते हैं आईसी क्यों नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए ये सन के पास में मूव करेगा, तो जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, इवेपोरेशन। और इनफैक्ट जब ये आगे पहुंचेगा तो ये बर्निंग एलिमेंट के रूप में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जैसे जैसे व्हेन पासिंग क्लोज टू द सन हीट अप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन एंड सोलर विंड अपॉन द न्यूक्लियस एंड बिगिन आउट गैस डिस्प्लेइंग विजिबल एटमोस्फियर और क्रोमा इज स्टिल कॉल्ड ट्रेल। तो इस तरीके से ट्रेल के फॉर्मेट में आ जा रही होती है क्रोमा। कॉमेट्स हैव हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट अनलाइक द प्लैनेट व्हिच हैव नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये क्या है कि सन के चारों में इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो जन के पास जब होता है तो बर्निंग एलिमेंट में बदल जाता है, जब दूर जाएगा तो आइस में बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो बर्निंग एलिमेंट रहेगा वही केवल दिखेगा, आइस वाला तो दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं पुच्छल तारा है, मतलब उसकी टेल दिख रही होगी, पूंछ दिख रही होगी, इसको इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो कॉमेट हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरीके से हो जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस, और ये सब गैसेस हैं, और कुछ स्मॉल टाइनी रॉक पार्टिकल और मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ कॉमेट होती है एंड दीज ओरिजिनेट इन द क्यूपर बेल्ट एंड एसोसिएटेड स्कैटर्ड, ये सब चीजें हो जा रही होती हैं। ठीक है, तो बाकी इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये अगेन वही सिस्टम के बारे में है जहां पर ये न्यूक्लियस है जो कि बर्निंग एलिमेंट के रूप में है। बाकी आप क्रोमा देख सकते हैं इसकी, ये लाइट जो होती है इल्यूमिनेट हो रही है। बाकी डस्ट टेल वगैरह हो गई, आयरन टेल वगैरह हो गई, आप देख सकते हैं क्या चीज है। लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, दैट इज द मिटियोर। मिटियोर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, मिटियोराइट अटैक एंड ऑल दैट, ये सब चीजें हैं मिटियोर के बारे में। मिटियोराइट इज एनी सॉलिड डेब्रिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एस्ट्रोइड कॉमेट और अदर सोलेस्टियल बॉडी फ्लोट थ्रू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। मिटियोर इज द स्ट्रीक ऑफ लाइट। अब जैसे देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि बेसिकली मिटियोर होती है एक चीज, दूसरी होती है मिटियोरॉयड होती है, और एक होती है जिसको बोलते हैं मिटियोरॉयट, मिटियो आर ओ आई टी ई हो जाता है, और यहां पर डी है। तो ये अलग अलग तरीके से नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं अभी आपको समझा देता हूं फोटो के माध्यम से। देखिए सबसे पहले जब ये अर्थ के एटमोस्फियर के बाहर है तो जो कोई भी एस्ट्रॉयड है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट को छोड़ करके निकल गया, उसको हम लोग बोलते हैं मिटियोरॉयड। रिलेटिवली छोटे होते हैं ये, जैसे ये अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर करता है उसको हम लोग बोलते हैं मिटियोरॉयटी, मिटियोरॉयट। और जैसे ही अर्थ के सरफेस पे आ जाता है अब ये कहलाना शुरू हो जाता है मिटियोर के फॉर्मेट में। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब जरा यहां पर देख लीजिए, मिटियोर इज पॉपुलरली अ शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार, टूटता हुआ तारा आप बोल सकते हैं मिटियोर को। इन सम केसेस मिटियोरॉयड डज नॉट बर्न अप कंप्लीटली एंड मेक इट्स वे टू द सरफेस एंड चंक इज कॉल्ड मिटियोरॉयड। तो इस तरीके से मिटियोरॉयड कहलाना शुरू हो जाता है विच इज इन द एटमोस्फियर द सर्कुलर डिप्रेशन क्रिएटेड ऑन द। अब जैसे मान लीजिए कि कभी भी इस तरीके से जब आएगा तो इसके पास वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, इसके पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि सन के पास से निकल करके आ रहा है, मतलब दूरी तय करके आ रहा है, हीटेड मटेरियल है। तो जब भी हीटेड मटेरियल होगा सरफेस पे आएगा तो क्या होगा, जब भी इस तरीके से गिरेगा तो गड्ढा करते हुए, अब भाई एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, एक्सीडेंट होगा तो गड्ढा होते आएगा, गड्ढा होगा तो यहां पर चीजें जो होती हैं लाइट निकलेगी भी क्योंकि हीट निकल रही है तो हीट रिलीज होगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक क्रेटर तैयार हो जाता है, क्रेटर मतलब गड्ढा तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया। तो एक सर्कुलर डिप्रेशन, इसी को गड्ढे को सर्कुलर डिप्रेशन बोला जा रहा है, क्रिएटेड ऑन अर्थ सरफेस आफ्टर द मिटियोराइट इंपैक्ट इज कॉल्ड अ मिटियोराइट क्रेटर। तो इसको क्रेटर बोल दिया जाता है। तो मिटियोराइट इंपैक्ट आर कॉमन ऑन ऑल प्लैनेट्स एंड मून इन द सोलर सिस्टम। द मोस्ट कंस्पिकुअस मिटियोराइट क्रेटर कैन बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड मर्क्यूरी। तो इस तरीके से दोनों जगहों पर पाई जा रही होती है, मार्स पे भी पाई जाती है, मून पे भी पाई जा रही है और हमारी मर्क्यूरी पे भी पाई जाती है। लार्जेस्ट मिटियोर क्रेटर जो होती है वो एरियोजा यूएस में पाई गई है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे और भी क्रेटर्स हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि रशिया में करला हो गई, कुस्क हो गई या लोगंचा हो गई, ये भी जो होती है क्रेटर के ही नाम है। सिमिलरली इसी तरीके से चिंगुएक्स क्रेटर ये मैक्सिको की है। सिमिलरली इंडिया में भी लोनार लेक हो गई, ढाला क्रेटर हो गया या रामगढ़ क्रेटर हो गया, ये भी अगेन ये सारे कुछ भी जो होते हैं ये मिटियोराइट क्रेटर ही बोले जाते हैं। अब हमारा लास्ट सिस्टम आ जाता है प्लूटो का। प्लूटो इज अ ड्राफ्ट प्लैनेट। तो प्लूटो के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो होता है पहले 1930 में इसको खोजा गया था नाइन्थ प्लैनेट के रूप में, लेकिन 2006 में इसको वापस से
हटा दिया गया था क्योंकि यह प्लैनेट की डिफिनीशन को नहीं फॉलो कर रहा था। आप फटाफट देख लेते हैं प्लैनेट की डिफिनीशन क्या है। प्लैनेट की डिफिनेशन है कि ऑर्बिट करना चाहिए सन को, ठीक है। इट हैज सफिशिएंट मास टू एज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, खुद शेप में बने रहना होता है। इट इज नॉट अ सैटेलाइट, मतलब ये किसी के चारों ओर घूमना नहीं चाहिए। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि प्लैनेट के अराउंड में घूम रहा हो, सन स्टार के चारों ओर में घूमना चाहिए। लास्ट होना चाहिए कि अपने नेबरहुड को क्लियर किया रहे। नेबरहुड का मतलब इट हैज रिमूव्ड डेब्रिस एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसमें अगर देखिए प्लूटो के बारे में, तो प्लूटो सब कुछ फॉलो कर रहा था, लेकिन ये डेब्रिस वाली चीज जो होती है उसको फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि यही प्लूटो के पास में ही क्यूपर बेल्ट पाई जाती है, तो इस वजह से इसको हटा दिया गया। तो प्लूटो इज अ पार्ट ऑफ क्यूपर बेल्ट, इसीलिए दैट कंटेन्स मिलियन ऑफ रॉकी एंड आइसी ऑब्जेक्ट। ऑल्सो देयर आर न्यूमरस अदर ऑब्जेक्ट्स इन द क्यूपर बेल्ट विच आर सिमिलर टू द प्लूटो। तो ये चीजें हो जाते ही होती हैं। इफ प्लूटो इज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट देन मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक एरीज, इन सबों को भी प्लैनेट बोलना पड़ेगा, इसी वजह से इसको प्लैनेट नहीं बोला गया। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोग फिलहाल यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर द एस्ट्रोनॉमिकल थिंग, जितनी भी चीजें हो सकती थी सब कुछ बता दिया मैंने। बाकी इसके बाद से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हमारा अर्थ, एंड वी विल स्टार्ट जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब अर्थ सिस्टम में ही जियोमॉर्फोलॉजी सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी गई है, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट रेज करिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।